हेलो गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एमनियोटिक फ्लूड कि एमनियोटिक फ्लूड क्या रहता है तो वो हम आज पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूड एक्चुअल में रहता क्या है एमनियोटिक फ्लूड इज फैंटली एल्केलाइन वाटरी कंटेंट ऑफ द एमनियोटिक सैक इन विच फिटस ग्रो इट इज़ प्राइमरली ऑफ द फीटल ओरिजन जो एम्योटिक फ्लूड होता है वो एल्केलाइन उसकी प्रॉपर्टी है एल्केलाइन रहता है वाटरी कंटेंट होता है जो एम्योटिक सैक होता है उसका वाटरी एंड एल्केलाइन कंटेंट होता है जिसमें जो एम्ब्रियो है जो मदर का फीटस है वो ग्रो करता है इट इज़ प्राइमरली ऑफ द फीटल ओरिजन और ये मेनली किससे होता है प्राइमरली फीटल ओरिजन से ही ये होता है नेक्स्ट इज़ द फिजिकल करैक्ट्रिस्टिक ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड फिजिकल करैक्ट्रिस्टिक जो है एमनियोटिक फ्लूड में उसमें हम देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसे चेंज होता है नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा रहता है और एबनॉर्मली एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा रहता है अगर कोई अंदर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूड का कलर चेंज होकर क्या इंडिकेट करता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मली डिफरेंट कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूड कैन बी सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम में मदर का जो एमनियोटिक सैक रहता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड रहता है तो उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर या हम बोल सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी मिड प्रेगनेंसी एंड द लेट प्रेगनेंसी तो जो अर्ली प्रेगनेंसी है उस टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूड का कलर है दैट इज़ क्लियर वो क्लियर रहता है बिल्कुल मिड प्रेगनेंसी में मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर हम जिसको नॉर्मली बोलते हैं तो उसमें येलो कलर का रहता है और वो येलो कलर का क्यों रहता है क्योंकि वहाँ पे वाइल पिगमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके बाद आता है लेट प्रेगनेंसी में तो लेट प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूड का कलर है दैट इज़ कलरलेस वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है उसका कोई कलर नहीं रहता है और वो थोड़ा थोड़ा पेल स्ट्रॉ का दिखाई देता है या टर्विट दिखाई देता है मतलब देखने में वो गाढ़ा हो जाता है बाद में टर्विट का मतलब कि वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है क्लाउडी फॉर्मेशन की तरह दिखाई देता है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल कलर अगर इंड एबनॉर्मल्स कलर हैं एम्टिक फ्लूड के तो वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं तो जो एबनॉर्मल कलर्स रहते हैं एमिओटिक फ्लूड के उनकी अलग अलग इंडिकेशंस रहते हैं जैसे कि अगर म्यूकोनियम स्टेंड एमिक फ्लूड है अगर एम्टिक फ्लूड में म्यूकोनियम स्टेंड है मतलब उसमें म्यूकोनियम है तो आई थिंक सो म्यूकोनियम आप सबको पता होगा जो बच्चे का फर्स्ट टूल पास होता है ठीक है अगर वो म्यूकोनियम स्टेंड है एमिओटिक फ्लूड तो वहाँ पे क्या चांसेस हैं कि देर इज़ चांसेस ऑफ़ द फिटल डिस्ट्रेस कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं नेक्स्ट आता है अगर एमनिटिक फ्लूड का कलर गोल्डन कलर का है तो दैट इज़ इन द केस ऑफ़ आर एच कम इनकम्पैटिबिलिटी कि वहाँ पे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है ये सब कंडीशंस हैं जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में वन बाई वन देखेंगे नेक्स्ट आता है ग्रीनिश येलो या सेफ्रन कलर अगर एमनोटिक फ्लूड का होता है अगर वो ग्रीनिश येलो सा दिखता है या सेफ्रन कलर मतलब केसरिया केसरिया हल्के रंग का दिखता है तो दैट इज़ द साइन ऑफ पोस्ट मेचोरिटी कि मदर जो है वो पोस्ट मेच्योरिटी के कंडीशन में है और बेबी जो है वो पोस्ट मेच्योर है मतलब फोर्टी वीक से ऊपर की जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है नेक्स्ट आता है डार्क कलर अगर एमनियोटिक फ्लूड का जो कलर है दैट इज़ ऑफ डार्क कलर तो वहाँ पे कोई कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज है कंसील्ड होता है और एक बर्ड आता है रिविल्ड और रिविल्ड जो हमें दिख रही है कंसील्ड जो हमें दिख नहीं रही है दैट टाइप ऑफ हेमरेज वहाँ पे कोई हुई है उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूड का जो कलर है वो डार्क हो गया है नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम तो जो एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम है वो जैसे जैसे बीक्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एमिनिटिक फ्लूड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाता है तो सबसे पहले जो एमिनिटिक फ्लूड का वॉल्यूम है दैट इज डिडेक्ट एट एट वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी वो कब डिडेक्ट होता है जब एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के होते हैं जब मदर जो है एट वीक की प्रेगनेंट होती है तो उस टाइम पर एमनिओटिक फ्लूड का जो वॉल्यूम है वो डिडेक्ट होता है उसके बाद जो ट्वेल्थ वीक्स आते हैं ट्वेल्थ वीक्स पे जो एमनिओटिक फ्लूड का वॉल्यूम है दैट इज़ थर्टी टू फिफ्टी एम कितना हो जाता है थर्टी टू फिफ्टी एम तक जो है एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम जो है वो हो जाता है उसके बाद आता है थर्टी वीक्स तो थर्टी वीक्स की जब मदर प्रेगनेंट होती है या थर्टी वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो एमनियोटिक फ्लूड का जो वॉल्यूम दैट इज सिक्स हंड्रेड एम तक वो हो जाता है अब उसके बाद आता है थर्टी से सिक्स टू थर्टी एट वीक्स तो वो कितना पहुंच जाता है वन थाउजेंड एम तक जो है वो एमनिओटिक फ्लूड का वॉल्यूम हो जाता है अब फोर्टी वीक्स फोर्टी वीक्स इज़ अ टर्म प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे एमनिटिक फ्लूड का वॉल्यूम एट हंड्रेड एम हो जाता है और फोर्टी टू वीक्स अब फोर्टी टू वीक्स की हम बात करें तो दैट इज़ कंडीशन ऑफ़ पोस्ट मेच्योरिटी कि मदर जो है वो मदर की जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ पोस्ट मेच्योर कि बेबी जो है वो पोस्ट मेच्योर हो गया है ठीक है तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है वो टू हंड्रेड एम हो जाता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एटम पे एटम पे एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम कितना होता है अगर हम एटम की बात करें तो दैट इज़ एट हंड्रेड टू वन थाउजेंड एम जो है वो एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम हम लेते हैं और अगर हम पूरे एटम की बात करें तो दैट इज़ एट हंड्रेड एम अगर रेंज में है तो दैट इज़ एट हंड्रेड टू वन थाउजेंड एम और अगर हमें पूरा बताना है अप्रोक्स मतलब एट हंड्रेड पे हम उसको लेंगे तो ये था उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है और कौन से बीक पे कितना वॉल्यूम जो है वो रहता है नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस की एमनोटिक फ्लूड जो है वो क्लिनिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस जो है वो रहती हैं सबसे पहले आता है प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट बेल्विंग एंड मेचोरिटी ऑफ द फीटस की फ़ीटस जो है वो बेल है प्रॉपरली बेलविंग है मदर के यूट्रस में एंड मेचोरिटी ऑफ द फिटस के बारे में हमें बताता है एक्सेस और लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्वर एमिनी इज मेजर टू डाइग्नोज द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पोलिहाइड्रोमियाज एंड ऑलिगोहाइड्रोमियाज अगर उसका एक्सेस वॉल्यूम है और लेस वॉलीम भी है तो उसको भी जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं तो उससे भी हमें बहुत सारी कंडीशन का पता चलता है अगर एक्सेस रहता है वॉल्यूम तो दैट इज़ नोन एज द पोली आप लोगों ने सुना होगा पोली एंड द ओलीगो हाइड्रोमियाज तो पोली एक ऐसी कंडीशन है जब एमनियोटिक फ्लू टू थाउजेंड एम एल और उससे ज़्यादा हो जाता है तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज द पोली और ये किसमें एसोसिएशन इसमें इसकी कैसे बताता है ये कि क्या डिजीज़ हो सकती है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है फीटस को तो ये या तो ट्विंस प्रेगनेंसी है ट्विंस प्रेगनेंसी के केस में जो है पोलीहाइड्रोम्यास की कंडीशन हो सकती है और अगर बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उस टाइम पे भी देर इज चांसेस ऑफ द पोलीहाइड्रोमियाज वहाँ पे पोलीहाइड्रोम्यास के चांसेस होते हैं उसके बाद आता है ओलीगोहाइड्रोमिया ओलीगोहाइड्रोमियास एक ऐसी कंडीशन है जब जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका वॉल्यूम जो है या लिक्वर एमनी का वॉल्यूम लेस हो जाता है तो उसमें या तो टू हंड्रेड एम एल तक वो आ जाएगा या बिल्कुल उससे कम हो जाएगा ठीक है तो अकर्स विद रीनल एजेनिस एंड ऑल्सो इन द आयोजिया दैट इज़ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन अब यहाँ पे दो टर्म है रीनल एजेनिस एंड आई तो रीनल एजेनिस ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें बेबी की जो किडनी है फिटस की जो किडनी है या तो वो दोनों ही एब्सेंट होंगी मतलब दोनों ही किडनी नहीं होंगी या तो फिर एक किडनी नहीं होगी तो उस टाइम पे भी ऑलिगोहाइड्रोमियास की कंडीशन अराइज होती है या तो फिर वहाँ पे जो फिटस की ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो नीचे हम डाइग्राम में देख सकते हैं कि जो पोली हाँ की कंडीशन है फर्स्ट वाली डायग्राम में तो वहाँ पे बहुत सारा फ्लूड जो है वो बेबी के अराउंड है दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूड और अगर हम बात करें ऑलीगोहाइड्रोम्यास की तो बहुत ही कम फ्लूड जो है वो बेबी के अराउंड है तो पोली एंड ओलीगो ये दो कंडीशंस रहती हैं और इनके ऊपर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलीहाइड्रोम्यास की कंडीशन कब होती है एंड ओलिगो की कंडीशन कब होती है तो जब एम्निटिक फ्लूड ज़्यादा हो जाता है टू थाउजेंड एम एल से ज़्यादा या टू थाउजेंड एम एल तो वो पोलीहाइड्रोम्यान्यास की कंडीशन और अलीगो की कंडीशन में वो कम हो जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ़ द एमिओटिक फ्लूड अब एम्टिक फ्लूड क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या फंक्शन है वो क्या क्या फंक्शन करता है सबसे पहले आता है फर्स्ट इज़ द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द ड्यूरिंग लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसके क्या फंक्शन है और एट द टाइम ऑफ लेबर उसके क्या फंक्शन है तो सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इट इट एक्ट एज अ शॉक एब्जर्वर ये क्या एक्ट करता है शॉक एब्जर्वर किसके लिए फिटनेस के लिए मतलब अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी हो रही है तो फिटनेस के लिए ये शॉक एब्जर्वर का काम करता है एज अ कुशन एक्ट करता है वहाँ पे उसको बचाता है बेबी को किसी भी एक्सटर्नली शॉक से नेक्स्ट आता है अलाउस फॉर द ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फिटस ये बेबी की ग्रोथ को भी अलाउ करता है एंड फ्री मूवमेंट को भी अलाउ करता है नेक्स्ट इज द एडिकुएट वाटर सप्लाई टू द फिटस ये बेबी को एडिकुएट वाटर सप्लाई भी करता है नेक्स्ट मेंटेन फिटल कोर टेम्परेचर जो बेबी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखता है अब आते हैं ड्यूरिंग लेबर ड्यूरिंग लेबर में इसके क्या क्या फंक्शन हैं हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स जो सर्विक्स रहता है मदर का उसकी डायलिटेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट द प्रोटेक्ट फिटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम प्रेशर ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब मदर को लेबर के टाइम में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं मतलब मदर को लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो उस टाइम पे ये फीटस और प्लेसेंटा दोनों को प्रेशर से बचाता है नेक्स्ट इज द प्रिवेंट्स द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड यूट्राइन कैविटी वाई वॉशिंग द बेजाइना बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी ये बेबी को और यूट्राइन कैविटी को भी दोनों को इन्फेक्शन से भी बचाता है और ये बेजाइना को वॉश करता है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डिलीवरी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी जो है ब्लिकोरामी जो है बेजाइना को वॉश करता है उसके बाद ये बेबी को भी इन्फेक्शन से बचाता है आई थिंक सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और थैंक यू गाइस मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं उससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलती रहेंगी थैंक यू गाइस